ये इन्वर्टर का पीसीबी है, एक साइन वेव इन्वर्टर उसका पीसीबी है, जो कि जीनस कंपनी के द्वारा यूज किया गया ये कार्ड है। और ये कार्ड काफ़ी स्मॉल साइज में डिज़ाइन किया गया था, जो कि साइन वेव है। और इसमें आपको जो डिफरेंस है कुछ आज के कार्ड में और पहले के कार्ड में, यानी इस पीसीबी में हम आपको ये चीज़ें क्लियर करके हम, और जो इस समय यूज हो रहे हैं पीसीबी और जो पहले डिज़ाइन किए गए थे पीसीबी, उसमें हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाएंगे और इनके फंक्शन के बारे में बताएंगे। जैसे डीएसपी हुआ हमारा, ड्राइवर बोर्ड हुआ, और यहाँ पर देखें जैसे ये तीनों पीसीबी एक ही टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे एक और पीसीबी है जो कि 24 वोल्ट का है। यहाँ पर दिखा दें ये, यानी ये 24 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया पीसीबी है। ये मैं एक सर्फ और पानी से इसे धुल के क्लियर करके आपको इसके जो आईसी हैं उनके फंक्शन के बारे में बताएंगे। और आप इस तरीके से कोई भी ओल्ड पीसीबी इन्वर्टर के उसे क्लीन कर सकते हैं, पानी से धुल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सावधानी रखना होगा, सुखाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जिस तरीके से आप पानी से धुलते हैं उसी तरीके से इसको सुखाना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखें एक टूथ ब्रश ले सकते हैं, जो कि नीचे साइड में इसे साफ़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और एक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे डस्ट है तो आप थोड़ा सा सर्फ डार्क कर लें, और इस टाइप के ब्रश ऊपर से हमें, यानी जहाँ कंपोनेंट साइड है, इस तरीके से यहाँ आप इसे धुल सकते हैं। और पानी से यहाँ ऐसे इस पर इसे क्लियर धुल सकते हैं। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है इसे सुखाने के लिए, वहाँ पे आप चाहे धूप में रख दें पलट के, या दोनों साइड में, या तो ब्लोअर से भी डायरेक्ट तुरंत क्विक सुखा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बारे में हम एक एक जो इसके हमारे जो बोर्ड हैं, यानी डीएसपी और ड्राइवर और जितने भी इसके सिस्टम हैं, इसको हम बारी बारी से समझेंगे वीडियो में। तो आज यहाँ पर दिखा दें आपको, मैंने इस तरीके से इसे धुल के क्लियर किया है, और क्लियर करने के बाद यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिया है। अब ये जब सूख जाएगा तो यहाँ पर देखें, अब ये सूख गया है। अब ये सारे पीसीबी को हम क्लियर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसको एक एक के बारे में समझेंगे, और यहाँ पे इसके डीएसपी और ड्राइवर बोर्ड और हमारा मॉस्फेट और जो मेन सेंसिंग है, सबके बारे में डिटेल समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्वालिटी थी। जीनस कंपनी ने उस समय ये काफ़ी सेटों में यूज किया था, और इस समय उसके कार्ड की डिज़ाइन अलग है और पहले की ये उसकी वो जो मतलब हुआ करती थी, ये भी काफ़ी सक्सेस, जो लोग जानते हैं इसके बारे में उन्हें मालूम होगा, और जो नहीं जानते हम इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे, इसकी क्या विशेषता है और इसमें क्या इसकी जो खासियत, इसके बारे में हम समझेंगे डायग्राम के द्वारा। और आईसी के एक एक पिन को और इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है, यानी ये जीनस कंपनी का जो हिट हमारा जो मॉडल होता है उस समय ये यूज़ किए थे, काफ़ी साइलेंस देखा गया था। जीनस कंपनी केवल साइन वेव इन्वर्टर ही डिज़ाइन करती है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर नहीं बनाती। ये भी एक अच्छी कंपनी है, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मीटर में भी जो है इसके नाम देखने को मिले होंगे। इस समय स्मार्ट मीटर भी इलेक्ट्रिक के लिए बना रही है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मीटर बन रहे हैं जीनस ही बना रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, या इस समय जो टेक्नोलॉजी है, इसे हम कंपेयर करके एक एक कंपनी को कंपेरिजन करेंगे और आपको बताएंगे किसकी बेस्ट क्वालिटी है और किस में जो है बेस्ट फीचर हैं। क्योंकि पहले की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डिफरेंसेज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।